इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट की टीम ने दो इंडियन हाईवे यात्री को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कस्टम डिपार्टमेंट ने करीब 75 लाख का सोना बरामद किया है। दोनों यात्री पंजाब के जालंधर शहर के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों यात्री बैंकॉक से दिल्ली आए थे, उसी दौरान कस्टम डिपार्टमेंट की एयर इंटेलिजेंस यूनिट की टीम ने इन्हें ग्रीन चैनल क्रॉस करते ही रोका और जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 4 सोने के कड़े और 4 सोने की चेन मिली, जिनका वजन 1994 ग्राम निकला। बरामद सोने की इसकी कीमत 75 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। कस्टम के डिप्टी कमिश्नर कलरव राकेश मिश्रा ने बताया है कि सोने को सेक्शन 110 के तहत जब्त कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि इससे पहले वो 42 लाख के सोने की स्मगलिंग कर चुके हैं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।